हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लोटस रेडियंट ब्राइडल ग्लो रोज गोल्ड का रिव्यू एंड डेमो वीडियो लेकर आई हूं, जो कि ऑल स्किन टाइप फेशियल है। ये 5 स्टेप्स फेशियल वीडियो है, इसलिए आप इस फेशियल को एंड तक देखें, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे पहले हम इनके फेस पे क्लींजिंग जेल की मसाज करेंगे 2 मिनट। मसाज को आप सर्कुलर मोशन में करें। आपके फेस पे जितना भी टैन होगा या डस्ट होगा वो अच्छे से रिमूव होगा। सारे स्टेप्स को आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही करें। दो मिनट मसाज करने के बाद साफ कॉटन से इनका फेस क्लीन करें। इसके बाद मैं माइक्रो पॉलिशर का यूज करूंगी, जो कि एक स्क्रब है। इसकी मसाज मैं करूंगी इनके फेस पे 5 मिनट। मसाज करते समय आप पानी का बीच बीच में यूज करते रहे, जिससे आपके हाथ स्मूथली चलेंगे। आपके फेस पे जितने भी ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स होंगे या डेड सेल होंगे वो अच्छे से रिमूव होंगे। मसाज को आप नीचे से ऊपर की ओर करें। जहाँ पर आपके फेस पे ब्लैकहेड्स हो वहाँ पे अच्छे से मसाज करें, जिससे वो अच्छे से रिमूव होंगे। दोनों कानों में भी अच्छे से मसाज करें, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा डस्ट और टैन होता है, जिससे वो अच्छे से रिमूव होगा और हमारा स्किन टोन सेम रहेगा। मसाज करने के बाद साफ टिश्यू टॉवल से मैं इनका फेस क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं इनके फेस पे जितने भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होंगे वो अच्छे से रिमूव करूँगी। इसके बाद मैं सीरम का यूज करूंगी इनके फेस पर, जिसकी 5 से 6 ड्रॉप इनके फेस पे डालूंगी और उसके बाद 2 से 3 मिनट इनके फेस पे मसाज करूंगी। मसाज मैं तब तक करूंगी जब तक सीरम इनके फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए।
जेल की मसाज करने के बाद आप इनका फेस क्लीन ना करें। इसके बाद मैं इनके फेस पर इल्यूमिनेटिंग फेशियल क्रीम का यूज करूंगी, जिसकी मसाज मैं करूंगी 15 मिनट। मसाज करते समय आप बीच बीच में पानी का यूज करते रहे। मसाज को आप अच्छे से नेक पे भी करें और फेस पर भी करें। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि गलत स्टेप से फेस मसल्स पे दर्द होता है और ग्लो भी नहीं आता, इसलिए आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही फेशियल करें। फेशियल को आप महीने में एक बार करवाएं। फेस्टिव सीजन में भी आप इस फेशियल का यूज कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा फेस पर। आंखों के आसपास आप इस तरह से मसाज करें, जिससे आपकी आंखों को काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा और डार्क सर्कल रिमूव होंगी। फेशियल करवाने से फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। फेशियल करवाते समय बात करना अवॉइड करना चाहिए। रिलैक्स होके फेशियल करवाना चाहिए, तभी आपके फेस पे एक अच्छा ग्लो आएगा। मसाज करने के बाद साफ टिश्यू टॉवल से मैं इनका फेस क्लीन करूंगी। इसके बाद मैं इनके फेस पर एल्गी पील ऑफ मास्क का यूज करूंगी, जिसको मैं पानी के साथ मिक्स करूंगी। ये एक पाउडर फॉर्म में है, इसको अच्छे से मिक्स करें और फेस पर अप्लाई करें। ये मास्क पील ऑफ मास्क की तरह नहीं है, इसलिए आपको 20 मिनट सूखने के बाद साफ गीले टिश्यू टॉवल से इनका फेस क्लीन करना होगा। आप देख सकते हो वीडियो में कि इनका फेस कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। फेशियल करवाने के बाद आप किसी भी सोप का यूज ना करें, नेक्स्ट डे ही यूज करें।